दोस्तों आपका स्वागत है फाइन आर्ट रायपुर चैनल में और आप देख रहे हैं स्टार ड्राइंग पार्ट वन। तो मैं इसमें ये बनाने वाला हूँ, आप सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बनाऊँगा अभी डायरेक्ट ड्राइंग, स्केच करूँगा डायरेक्ट में, तो उसको देखिए आप। और ये तो उनके लिए रहेगा जो अनुभव है, थोड़ा जानते हैं पेंटिंग के बारे में, वो इस स्केच को देख कर काफ़ी उनको सीखने मिलेगा। और नेक्स्ट इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा ग्राफ का। ग्राफ मतलब नए लोगों के लिए रहेगा, वो बॉक्स बनाकर उसमें हम इसको कैसे सेट करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। इसमें तो 19-20 गलती हो भी जाती है, तो उसको हम कलर करते वक्त उसको कवर कर लेते हैं। तो आप उसको भी देखिएगा, वो नए लोगों के लिए रहेगा जो नए पेंटिंग में आए हैं और वो फ़ोटो बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाएं फ़ोटो, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बनाने वाले हैं हम पेंटिंग वो है ये डायरेक्ट, इसका स्केच करेंगे हम, देखिए इसको। ओके चलिए हम चालू करते हैं स्केच करना। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं जो मैं इस ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं तो आपको ऐसा चिपका लेना है ना, चिपका के आप बार बार ऐसा देखने में आपको आसानी होगी। तो आप ऐसा देख सकते हैं कैसे स्केच करें इसको। जैसे कि हम जो ग्राफ में पेंट स्केच करते हैं तो उसमें ऐसा बॉक्स रहता है, ऐसा बॉक्स रहता है, उस बॉक्स के अंदर हमको सेट करना होता है। ऐसे तमाम तरह के बॉक्स रहते हैं, है ना, तो उसमें सेट करना होता है, तो वो काफ़ी इजीली होता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड वर्क है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने यहाँ स्टार्ट किया है ना, तो उसके बाद ये बनाया, तो इसको ऐसा हल्का सा बनाया फिलहाल पहले, ताकि आपको मिटाने का मौका मिल सके। अगर आप कोई गलत कर रहे हैं तो मिटाए तो दाग ना दिखे वहाँ पर, इसलिए हल्के हाथों से करें, ज़्यादा दबाव ना डालें पेंसिल में। ज़्यादा दबाव डालने से वो दाग छोड़ सकता है मिटाते वक्त। तो आप इसे देखिए, जैसे कि आपका धार निकल जाता है पूरा, जैसे कि आपने स्केच किया और आपको समझ में आ गया कि हाँ ये पूरा परफेक्ट बैठ रहा है, तो आप उस वक्त उसको डार्क कर सकते हैं, डार्क कर लें या फिर उसमें हल्का हल्का कलर भी चढ़ा दें, वो आपके ऊपर है, उसे कोई हानि नहीं होगी, इसकी पेंटिंग की नुकसान नहीं होगा। फिर इधर आ जाएं, यहाँ से कंप्लीट होने के बाद इधर आ जाएं, इधर देखें यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है वो देख ले, उसके बाद यहाँ से टच चालू कर दे, इसका डिस्टेंस देख ले, इसका गैप, तो यहाँ से इसको चालू कर दे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये गड्ढा है, ये मतलब यहाँ का जो गड्ढा है उसको भी यहाँ पर सेट कर लें, ताकि आपको आगे का मालूमात हो कि यहाँ पर ये चीज़ आने वाली है, ये ऐसा सेट कर लें। इसको शैडो है एब्रो का,
ये इसी तरह से आप स्केच चालू रख सकते हैं। ये देखिए आँख भी बन गया, ठीक है। अब चल आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इसे बाल कैसे बना दिया है, कलर करते वक्त वो सही आ जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये डार्क है और ये लाइट है ना, थोड़ा ग्रे टाइप का, ये ब्लैक है, टोटल ब्लैक। तो यहाँ से आप अंदाजे के लिए आप यहाँ से आप ऐसा करके ऐसा कर सकते हैं, कलर करते के वक्त आपको ऐसा मालूम हो कि कहाँ पर ज़्यादा डार्क है, लाइट कहाँ है। अरे यहाँ पर ज़्यादा डार्क है ये हिस्सा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। के बाद चलते इधर, ये शेडो हो गया, ये आईब्रो हो गया, इसको शेडो हो गया। ये शेडो को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये गेप, अब मैंने पहले भी वीडियो बनाया है मैंने, जैसे स्टीफन हॉकिंस का और डोनाल्ड ट्रंप का, भूपेश बघेल का, ऐसा लाइट ड्राइंग बनाया मैंने, तो आप उसको यूट्यूब में देख सकते हैं, पहले से लोड है वो। ये सही जा रहे हैं। अब इसके लिए आप इधर आ जाइए, है ना। ये नाक तो पकड़ लिया हमने, आँखों को हमने, देखो ये जो है ना, ये ऐसा है, थोड़ा तीछा है, ये ऐसा और ये ऐसा, तो आपको ध्यान देना होगा इसके अंदर ही आपको बनाना है, ये लेंथ में, है ना, ये लेंथ जा रहा है ना, ये लेंथ तिरछी, तो उस लेंथ में के अंदर ही बनाना है आपको। जैसे कि आप कोई भी किसी भी तरह का फ़ोटो बनाएं, आप घर के लोगों का या फिर घर के बाहर लोगों बाहर से लोगों का, है ना, तो उसमें आप वही ध्यान दीजिएगा, शेडो कहाँ क्या दिख रहा है उसका ही उपयोग करना है हमें, कहाँ उसकी परछाई आ रही है, उसको ध्यान देते हुए ही कलर भरने हैं। ड्राइंग करना है पहले, बाद में कलर भर सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी गलती हो तो कलर करते वक्त सुधर सकती है। तो ले यहाँ जाते हैं, ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या। एक लग गया, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को, बैकग्राउंड में जो भी साउंड हो रहा है, आप वो भी बात कर रहे हैं, उसका ध्यान मत दीजिएगा, इसको आप देखें। और हर वक्त बात करना ड्राइंग करते समय डिस्टर्ब करता है, लेकिन फिर भी अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, क्योंकि पूरा फोकस आपको अपने काम में लगाना होता है, आप बात नहीं कर सकते। आप बात करने के लिए आपको ऐसा सामने आना होता है, फिर समझा कर फिर करना होता है, तो वो वीडियो को बढ़ाने चाहता मैं, तो मैं डायरेक्ट कुछ कुछ बात करते करते आपके लिए पेंटिंग तैयार कर रहा हूँ, ड्राइंग जो है। ये हो गया शेडो, यहाँ का परछाई हो रही है, ये हो गई परछाई यहाँ की, तो आपको यहाँ से इसको ये देखना है, यहाँ पर ये देखे अपने ऐसा है, तो यहाँ पर होंठ बनने वाला है ना, आप देख रहे हैं ऐसा, ये होंठ बनने वाला है, तो यहाँ पर आप
ऐसा इसकी नाक बना सकते हैं। ये देखिए आप, इसे आप ब्लैक ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, आँख के एरिया है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे कि कहाँ पर आँख आ रही है। ये देखिए ये हो गया इसका। बस आपको ऐसे ही ड्राइंग चालू रखना है, आप देख सकते हैं। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे लाइनिंग किया है, तो इसको बाद में मिटा सकते हैं। ये मिटा जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है तो उसको आप बाद में मिटा सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हॉट यहाँ तक जाकर यहाँ पर इसका एंड हो रहा है, इसकी एंडिंग हो गई। यहाँ से फिर स्टार्ट होगा छोटा वाला, इसमें डिस्टेंस कम है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा आ रहा है, इसलिए मैं इसको आपको ये गैप देखना होता है, ये गैप देखना होता है, इसमें क्या गैप है, इसमें क्या गैप है, ये क्या गैप है ना। तो ये गैप देखने से ही आपको मतलब ये पता चलता है कि कहाँ से फ़ोटो स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर इसकी एंडिंग होगी, तो वो बराबर स्केच बराबर जाता है। आपको और किसी से पूछना नहीं पड़ता है स्केच कैसे करते हैं, है ना। आप स्वयं दो चार बार गलती करेंगे आप और बाद में आप बना सकते हैं। तो आप अभ्यास ऐसे ही करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी मोटी गलती है जैसे मैं बताया अभी, छोटी मोटी गलती होती है तो उसको आप कलर करते वक्त सुधार सकते हैं, है ना, सुधर जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया था अपना खुद का पेंटिंग का, ऐसे ही ड्राइंग करके डायरेक्ट डायरेक्ट किया था ब्रश से, तो उसमें भी आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने बाद में कैसा सुधारा और उसको सही रंग रूप दिया। देखिए आप ये देखिए, ये धीरे धीरे आकार लेते हुए दिख रहा है। ये तो शेडो वाला ऐसा कर सको सकते हैं, है ना, ताकि डिस्टर्ब ना करे वो जहाँ जहाँ शेडो है। ऐसा ऐसा मैं केवल आपको दिखाने के लिए ही ये कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं करना होता, हल्का सा स्केच करके और उसको हम चालू कर देते हैं पेंटिंग करना, है ना। तो आप देख सकते हैं ये है, ये ऐसा, ये केवल समझाने के लिए दिखा रहे हैं हम आपको। आप इसको देखें, ठीक है, ये है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, वो ध्यान दीजिएगा बस। ये फोटो आपकी तैयार हो जाती है। जो गलत है, जो एक्स्ट्रा लाइनिंग हो गई है, तो उसको आप रबर से मिटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ये ऐसा शेडो का बनाया था आपको मैंने पहले भी कि जहाँ डार्क है वो डार्क का स्टेप बना लें ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको डार्क का टोन देना है कलर करते वक्त। ये देखिए देखो देख रहे हैं हम ये फोटो कुछ आकार लेता हुआ है ना, ये आपके सामने है, थोड़ा जूम करके ऐसा समझ नहीं आ रहा है क्या आपको। देखिए ये इसका आकार ले चुका है ना, और कितना वक्त लगा 16 मिनट। खैर इसमें बात करने में भी टाइम थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो आप इस तरह बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं जो नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं है ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की कुछ ट्रिक होती है, कुछ टेक्निक होती है, तो उसको भी हम उस इस वीडियो में बताएंगे जो इसके बाद आएगी। काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो, तो हम जस्ट इसके बाजू बनाएंगे, ठीक है। इसके बाजू वाले हम यहाँ पर वहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह से बॉक्स करके है ना, बॉक्स में कैसे यही चीज़ कैसी बॉक्स में बनती है, इसमें हम पहले क्रॉस करेंगे, बॉक्स करेंगे, बॉक्स बनाकर कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे आप वो चीज़ देखिएगा है ना, आपको बहुत सीखने मिलेगा। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, आपको इसी तरह का नया नया वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आप देखिए हमने जो स्केच किया है वो हूबहू वैसे ही बना है और हमने डायरेक्ट किया है वो आपके सामने। तो हम अब अगली जो अगला वीडियो रहेगा हमारा वो नए लोगों के लिए रहेगा, उसमें हम ग्राफ करके बनाएंगे ताकि उनको भी पता चले कि ग्राफ से बनता है और हम बड़े चीज़ बना सकते हैं है ना। हम कोई बड़े आर्टिस्ट तो है ही नहीं, लेकिन हम उनकी टक्कर दे सकते हैं उनको है ना, हम अपने मुताबिक काम करके उनको ऐसा फील होगा। तो उनके लिए ही मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप दोस्तों, उसमें कुछ बारीकियाँ रहेंगी, उसमें भी आपको कुछ जानने मिलेगा। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो में आपके लिए आता हूँ। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और कमेंट में जो भी आपको सवाल पूछना है मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में ही, फाइन आर्ट रायपुर में। तो चलो दोस्तों चलें, धन्यवाद।